नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आपकी सेहत का ख्याल रखने वाले शो की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ हम कर रहे हैं। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने इतिहास रच दिया है। देश ने 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है और ये सुनहरा रिकॉर्ड है। यानी देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं और 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक डोज लग चुकी है। देश में वैक्सीनेशन के आंकड़े गर्व करने वाले हैं। अमेरिका में जहां एक दिन में 13 लाख वैक्सीन लगती हैं, वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में एक दिन में 35 लाख वैक्सीन लगी हैं। जापान में हर दिन 7 लाख वैक्सीनेशन हुए हैं तो वहीं इंग्लैंड में एक दिन में सिर्फ 3 लाख कोरोना की वैक्सीन लगी है। हमारे देश की इस वैक्सीनेशन ड्राइव से उम्मीद की जा सकती है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना का अंत नजदीक है। बिल्कुल, कोरोना तो कंट्रोल हो चुका है मीनाक्षी, लेकिन इन दिनों एक और बीमारी है जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है, जिसने दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक अपना कहर बरपाया है। हम बात कर रहे हैं डेंगू की, जो बेकाबू रफ्तार से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। खास बात यह है कि इस बार डेंगू के भी अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रही है, जिनमें से सबसे खतरनाक है डेंगू का D2 स्ट्रेन। दरअसल इस स्ट्रेन में मरीज को तेज बुखार तो आता है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग होने और शॉक सिंड्रोम का भी खतरा रहता है। ICMR के मुताबिक D2 स्ट्रेन इतना घातक है कि फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में जो लोग हैं उनकी इस वजह से मौत भी हो रही है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तेज बुखार आता है, गिरते प्लेटलेट्स चिंता का कारण बनते हैं और यही वजह है कि फिर लोग अस्पताल की तरफ भागते हैं, लेकिन वो भी मरीजों से भरे हुए हैं। बिल्कुल, अस्पताल जाने की नौबत ना आए इसके लिए बहुत जरूरी है कि डेंगू के लक्षण आते ही प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप घरेलू उपाय शुरू कर दें। और 100 बात की एक बात यह है कि इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत होगी तो किसी भी बीमारी को हराना मुश्किल नहीं होगा। ये तो आपने बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है मीनाक्षी। और योग से इम्यूनिटी को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये होगा कैसे ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, आपको भी और मीनाक्षी बहन आपको भी। और आज हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और प्लेटलेट बढ़ाने वाले पूरे पपाया वन के अंदर हैं, पपीता के हम वन के अंदर ही आ गए। और यहाँ चारों तरफ ये पपीते के संस्पर्श से जो हवा आती है उसमें भी एक अलग प्रकार की ताजगी है। यहाँ वैसे तो प्रकृति का बहुत सुंदर नज़ारा है ही है। अब कच्चे पपीते की सब्जी खा लें। ये जो पपीता है इसको यदि आप कच्चे पपीते को की सब्जी खाते हैं तो ये पेट के लिए रामबाण होती है। और इसके अलावा पकावा जो पपीता होता है वो भी इस ये पेट के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए, इम्यूनिटी के लिए पपीते की सब्जी। आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगा। फिर यहाँ देखो, ये आप हरा हरा देख रहे हो ना, ये मेरे बाई तरफ ये भूमि आंवला है। ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, हमने घर घर में बताया कि आप लगाएं। हल्दी, अदरक, एलोवेरा, पत्थर चटा, वीटग्रास, ये घर घर में लगा सकते हैं। अब हमने घर घर में पहुंचा दिया इंडिया टीवी के माध्यम से इस योग विद्या को। अब देखो मेरे बाई तरफ ये बहने हैं, किसी ने डेंगू, किसी ने चिकनगुनिया, किसी ने अपनी UTI, किसी ने अपने किडनी का इन्फेक्शन। घर में बैठे बैठे वाटर थेरापी, मड थेरापी जैसे छोटे छोटे उपाय, यज्ञ थेरापी, ऐसे छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को पावन बना लिया। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो स्ट्रेचिंग के लिए ऐसे ही रोज प्रारंभ कर लिया करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कठी चक्रासन करते रहो लंबे लंबे श्वासों के साथ। और फिर त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और सूर्य नमस्कार। मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन लगभग लगभग 5-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार सबको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन के साथ साथ सूर्य नमस्कार,
जो न कर सके सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, वही करते रहे। और इससे देखो डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू उन्हीं को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, कोरोना भी उन्हीं को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, अलग अलग अंगों की इम्यूनिटी होती है, जिनके हार्ट की इम्यूनिटी वीक होती है उनको अंदर कोलेस्ट्रॉल जैसा कुछ जम जाता, अभी तक भी दुनिया को पता नहीं है कि जमता क्या है उनको, किसी को कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा हो जाता है, किसी को कैल्शियम जमा हो जाता है। फेफड़ों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो अभी सर्दी, जुकाम, बुखार, काफ, खांसी, कोल्ड, ये सब घेर लेते हैं। हड्डियों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो अर्थराइटिस घेर लेता है। स्किन की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो सोरायसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा घेर लेता है। आँखों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो आँखों पर ग्लासेस, फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, फिर कलर विजन, डबल विजन, डिप्लोपिया से लेकर के अलग अलग तरह की बीमारियाँ घेर लेती। एक एक अंग की, कानों की, दांतों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो पायरिया, नाक की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो स्नीजिंग और फिर अंदर पॉलिप्स हो जाते हैं। रोज योगाभ्यास में 10 बार सूर्य नमस्कार करें और फिर अपना जो निर्धारित योग है, अलग अलग रोग के अनुसार हम योग बताते हैं, उसको करें। जो जवान लड़के लड़कियाँ हैं वो तो दंड बैठक भी लगाए, 10-10, 20-20 बार हम बताते हैं, ये सब करते रहेंगे। और फिर ये जो चिकनगुनिया के उपाय हम बताते हैं कि ये आज भी हम जूस बताने वाले हैं, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस पी लिया तो फिर इतना जबरदस्त लाभ होता है। एक ही दिन में 5,000 से लेकर के 25,000 एक ही दिन में 5-7 बार पीने से। और आज हमारा लक्ष्य ही स्वामी जी ये है कि अस्पताल जाने तक की नौबत ना आए, और घर में ही अगर ये अंदाजा हो जाए कि डेंगू हो गया है तो फिर घरेलू उपाय करके भी प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाया जा सकता है। स्वामी जी, इन दिनों डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जो सीधे ब्लड प्लेटलेट्स, मसल्स और ज्वाइंट्स पर हमला करते हैं, तो इस अटैक से बचने के लिए यौगिक तैयारी क्या करनी चाहिए? क्या हम इसकी चपेट में ही पहले तो लक्ष्य ये रखें कि डेंगू की चपेट में ही ना आए? हाँ, पहले लक्ष्य तो यही रखे जैसे मैंने बताया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन, प्रारंभ से योगाभ्यास करते रहेंगे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और रोज गिलोय पीते रहें, रोज वीटग्रास, एलोवेरा लेते रहें, कभी सप्ताह में एक बार पपीते के पत्तों का रस पी लिया तो डेंगू नहीं होगा, एरंड के पत्तों का रस पी लिया तो कभी भी जॉन्डिस नहीं होगा। छोटे छोटे उपाय अपनाने से बड़े बड़े रोगों पर हम विजय पा लेते हैं, और ये हम करके दिखा रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति, ये त्रिफला से आयवास, ये नस्य, ये रक्तमोक्षण, ये अक्षित अर्पण, ये जो मिट्टी की पट्टी पेट पर लगा रही से होगा क्या? तो मैं सबसे कहूँगा कुछ तो ये अभ्यास खड़े हो करके जवानों के लिए ऐसे 10-20 बार ऐसे ही कर लें, ऐसे थोड़ा थोड़ा यहाँ से शुरू करें फिर पूरा कर लें ऐसे, और जो जवान है वो तो फिर ये दंड भी ऐसे, दंड ऐसे 10 बार लगा लें अथवा ऐसे ही कर लें, भुजंगासन ही 10 बार कर लें। अब बताते हैं पेट के लिए ज़बरदस्त उपाय, पेट के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए और डेंगू के लिए खास। तो ये 10 बार से लेकर के 25-50 बार ऐसे जवान जो लड़के लड़कियां हैं और जो बुजुर्ग में धीरे धीरे करके 5-10 राउंड में 25-50-100 बार तक कर लेते हैं, इससे इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, लंग भी, हार्ट भी, नर्वस सिस्टम भी, कमर भी इससे अच्छी हो जाती है। तो 25-50 बार ये भी कर लें ऐसे, ये तो रोज का रूटीन बना लें, ऐसे कर लें अथवा ये ऐसे कर लें ऐसे।
और जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो तो ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे। और साथ में ये जो गुग्गुल का धुआं कर रखा है ना हमने, ये मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं, गुग्गुल का धुआं कर दिया, सीधे लेट लें। अब स्पेशल पैकेज डेंगू के रोगियों के लिए, एक तो ये डेंगू नील औषधि रखी हुई है हमने, जैसे हमने कोरोनील बनाई ना ऐसे डेंगू नील भी बना रखे, और उसमें यही है, ये वीट ग्रास है, गिलोय है, एलोवेरा है, इसमें पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट है, अनार है, पवन मुक्तासन, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब जो आसन बताने वाले हैं ये डेंगू वालों के लिए, चिकनगुनिया वालों के लिए, और इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ देता हूँ, तमाम बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए और अपने इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कपालभाति के साथ, और जो अंग कमजोर है उसके सशक्तिकरण के संकल्प के साथ करें। और इसलिए हम इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के पक्षधर हैं, क्योंकि बीमारी का एक कारण नहीं होता, कई दिशाओं से जब हमारा सामर्थ्य कमजोर पड़ता है तो हमें रोग होते। इसलिए योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और मेडिकेटेड फास्टिंग, छोटे छोटे लेप लपेट, ऐसे इंटीग्रेटेड योगा, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड पैथी हम करवाते हैं कि आपके लिए जो जरूरी है। पवन मुक्तासन 100 से 200 बार इसमें कपाल भाती हो जाता है, ऐसे करते हैं तो धीरज के साथ करें, धैर्य के साथ करें, एकाग्रता निरंतरता के साथ करें, एक एक आसन 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5, 10-10 मिनट करें, और बहुत असाध्य रोग हो गए तो प्राणायाम 1-1 घंटा करें। तो डेंगू चिकनगुनिया ये तो कहते हैं ना दाएं हाथ का काम है, हम बड़े से बड़े रोगों पर भी विजय पा लेते हैं, और डेंगू को तो हम 1-2 दिन में ही उस पर विजय पा लेते हैं, प्लेटलेट घट करके 5-10 हज़ार पर भी आ गए तो 50,000-1,00,000 हो जाएंगे 2 दिन के अंदर ही। बस ये जूस 5-7 बार लगातार पीना जो हमने बताया, 5 चीज़ों का, अनार, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, 5 चीज़ों का जूस, और खाने पीने में अंकुरित लें थोड़ा। आज हमने हेल्दी थाली भी रखी हुई है, वो भी हम 8:30 बजे बताने वाले हैं, बहुत जरूरी है। आहार पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। पवन मुक्तासन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, सब कुछ आप बाहर से क्या करें, यानी अपने शरीर को किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं योग के जरिए, और ऐसा क्या खा रहे हैं कि भीतर से भी शरीर तैयार हो, इन दोनों के अपने अपने वैल्यू हैं और इसी से स्वस्थ बना जा सकता है। स्वामी जी, कई मरीज क्योंकि ऐसे देखे गए हैं जिनको डेंगू भी है और कोरोना भी है, अब क्योंकि लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं तो बहुत ही मुश्किल से ये पता चल पाता है कि मरीज की कंडीशन पर असर आखिर क्या पड़ रहा है। ऐसे में अगर कोरोना और डेंगू दोनों साथ साथ में हो फिर क्या करना चाहिए? तो ये जो जूस बताया है ये तो खाली पेट ले ले, अणु तेल नाक में डाल ले। मैं तो कहता हूँ सर्दी जुकाम बुखार कैसा भी आपको बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन है ना, तो अणु तेल डाल लीजिए। लेकिन स्वामी जी पता कैसे चलेगा, आप उपचार तो बताए ही, लेकिन साथ में ये भी समझाएं कि पता कैसे चलेगा कि कोरोना हुआ है या डेंगू हुआ है या दोनों हो चुका है। तो देखो अब इसमें प्लेटलेट जो है वो प्रारंभिक दृष्टि में ब्लड टेस्ट करवाने से तुरंत चीज़ों का पता लग जाता है। यदि प्लेटलेट घट रहा है और बुखार टूट नहीं रहा है, तो कई बार कोरोना में भी बुखार नहीं टूटता और डेंगू में भी बुखार नहीं टूटता, लेकिन प्लेटलेट घटने की जो प्रक्रिया है वो विशेष रूप से डेंगू में होती है, इसका प्रधान लक्षण है। और नाक से गंध नहीं आना, स्वाद कम आना अथवा न आना, शरीर बहुत ज़्यादा टूटना, और कफ कोल्ड का बहुत ज़्यादा, गला चौक हो जाना, पूरा फेफड़ा चौक हो जाना, ये जो लक्षण है
ये प्रथम दृष्टया डेंगू के लक्षण है। अब ये अभ्यास करने के साथ साथ थोड़े दूसरे अभ्यास भी बता दें। तो अब कई बार क्या होता है, आदमी गफलत में रहता है और कई बार टेस्ट में भी नहीं आता। जिस दिन टेस्ट कराए उस दिन तो प्लेटलेट आए थे 1.5-2 लाख, और अचानक एक रात में ही गिर जाते हैं, 5-10 हज़ार पर आ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप कई बार टेस्ट में भी ना आए, डेंगू टेस्ट में भी कई बार RT-PCR की भी जो विश्वसनीयता है वो 70% ही है। तो टेस्ट में ना आए कोरोना, टेस्ट में ना आए डेंगू, तो भी क्या करना, तो खाली पेट तो ये ले लेना, अणु तेल नाक में डाल लेना, और फेफड़े कमजोर है, खांसी कफ कोल्ड है, तो जरूर श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड लेना। बहुत भयंकर प्रकोप हो गया, फेफड़े को इतना घेर लिया है कि सांस ही नहीं आ रहा है। तो श्वासारी वटी, श्वासारी प्रवाही या श्वासारी गोल्ड या श्वासारी और पंचकोल का क्वाथ पी लिया, ये खाली पेट ले लिया। खाने के बाद कोरोनिल ले लो, कोरोनिल में क्या है, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी है, तो नुकसान तो कुछ नहीं ना, तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सर्दी जुकाम बुखार भी ठीक हो जाएगा, कोरोना भी ठीक हो जाएगा और डेंगू भी ठीक हो जाएगा। इसलिए कोई खतरे वाला काम नहीं, किसी तरह से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और ये योग देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों में फ़र्क है, एक है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। और घर में अब ये थोड़ा सा ये अलग अलग प्रकार की जो हम सामग्री इसीलिए यहाँ पर रोज़ रखते हैं कि घर में एक बार ये पूरा घुमा दिया, सारा घर बैक्टीरिया वायरस फंगल फ्री हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसमें ये थोड़ा सा धुआं कर लिया, यज्ञ चिकित्सा, इसलिए हम इसको बहुत आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि जिस तरह से चारों तरफ वातावरण में गंदगी है, तो उसमें ये योग यज्ञ आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचकर्मा षटकर्मा मेडिकेटेड वाटर मेडिकेटेड फूड मेडिकेटेड एयर उपवास मेडिकेटेड फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट और ये नॉर्मल फास्टिंग की बजाय औषधीय उपवास, ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्वामी जी। और रोज की दिनचर्या में 5-10 आसनों को तो सम्मिलित कर ले, कम से कम मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, ये तो सभी कर लिया करें, क्योंकि इससे पूरा पाचन तंत्र अच्छा होगा। हमारा पाचन तंत्र, हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो स्ट्रांग रहती है। खाली 2 आसन भी कर लिए, मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन। कमर में दर्द है तो फिर थोड़ा उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन भी करा दे। बिल्कुल, कुछ कह रहे थे आप मीना। हाँ स्वामी जी, ये आसन तो जरूरी है ही, इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं जो बहुत बड़ा महत्व रखती हैं इन बीमारियों से हमें बचाने में, खासकर डेंगू और कोरोना, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स का रोल बहुत बड़ा होता है, तो क्या एक दिन में इसे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि लगातार हर दिन जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम या ज्यादा होते हैं डेंगू के मरीजों के। हाँ, मैंने कहा एक एक दिन में 1-1 लाख तक गिर जाते हैं, ये तो लोगों को पता है, लेकिन एक एक दिन में 25-50 हज़ार बढ़ा सकते हैं। 25-50 हज़ार बढ़ गए तो खतरे से बाहर निकल गए ना। और प्लेटलेट बढ़ाने के साथ साथ जो डेंगू में बुखार होता है उसके लिए ज्वरनाशक वटी या ज्वरनाशक क्वाथ, सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, ये औषधियाँ भी करें। और ये मंडूकासन, शशकासन के साथ साथ ना, जिनका शरीर हल्का है वे तो अर्धमत्स्येन्द्रासन नहीं तो वक्रासन, ये भी साथ साथ करवाएं, थोड़ा थोड़ा करा ले आराम से धीरे धीरे। तो एक दिन में ही 25,000-50,000 1 लाख तक प्लेटलेट गिर जाते हैं तो लोगों को पता है, बढ़ जाते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर 2 घंटे के अंतराल से जिनको रेडीमेड चाहिए, तो ये डेंगू नील, तो ये डेंगू नील जो वटी है सुबह और उसके बाद दोपहर के पहले, दोपहर को, दोपहर के बाद, फिर रात को, ऐसे 5 बार
एक एक या दो दो गोली डेंगू नील के ले लें, अथवा जो हमने जूस बताया पांच चीजों का, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और अनार, ये एक साथ पूरे डाइजेशन से लेकर के और प्लेटलेट को एक ही दिन में 25,000-50,000 तक बढ़ जाते हैं। ये है बड़ी बात और ये बात महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बार बार आज हम संकेत कर रहे हैं। देखने में छोटी सी बात लग रही है जी, मैं ये कह रही थी कि जब आप इसका उपाय बता रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि जिन इलाकों में डेंगू बहुत तेजी से फैला हुआ है, अगर वहां पर आपके जैसे ये पपीते का बाग होता तो शायद अब तक गंजा हो चुका होता, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और पपीते के पेड़ अब शहरों में तो देखने को मिलते नहीं है। अच्छा स्वामी जी, कोरोना हो या फिर डेंगू या चिकनगुनिया, तीनों ही हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स पर बहुत बुरा असर डालते हैं। यहाँ तक कि ठीक होने के बाद भी शरीर में एक तो कमजोरी रहती है, महीनों तक इसका असर दिखाई देता है, दर्द होगा, हड्डियों में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, तो इस दर्द से कैसे निजात पाए और ये लॉन्ग टर्म शरीर पर इफेक्ट ना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो ये आपने बहुत ठीक कहा, एक बात और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना के बाद लोगों के प्लेटलेट घटने के साथ बढ़ना भी बहुत बड़ी समस्या है, और उसके लिए छोटी छोटी दवाइयाँ 25,000-25,000 रुपए की, 50,000-50,000 रुपए की लोग बेच रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप कम से कम थोड़े सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कीजिए, और प्रिवेंशन के तौर पर भी अभी थोड़े दिन, एक सप्ताह, ये जो पपीते के पत्तों का रस, गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और अनार का जूस हमने बताया, इसका प्रिकॉशन के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर भी थोड़ा उपयोग कर सकते हैं। और प्लेटलेट जिनके बढ़ जाए उनको शंख प्रक्षालन करना चाहिए, उसके आसन हमने बताए हुए, और उनको त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए, गोधन अर्क पीना चाहिए, उनको एनिमा लेना चाहिए, कायाकल्प और सर्वकल्प से, और कायाकल्प और सर्वकल्प क्वाथ पीना चाहिए, और उनको कपाल भाती एक एक घंटा करना चाहिए। ये बड़ी बात बताना चाहता हूँ, मैंने देखा है, मेरे पास आए हैं लोगों के पूरा कोरोना के बाद में SGOT SGPT से लेकर के, कोलेस्ट्रोल से लेकर के और शुगर से लेकर के, जो आपने देखा एक बेटी का मैंने नाम लिया था जो है नवी, 4,000 उसका ट्रेग्लिसाइड, 500-800 कोलेस्ट्रोल और शुगर हो गया HbA1c, मैंने 700-800 जब शुगर पहुंच जाता है तब जा करके 17 होता है, 17 HbA1c। तो क्या किया उसको हमने, यही चीज़ें करवाई, बस्ती एनेमा करवाया, एक एक घंटा कपालभाती आसन के साथ, और फिर एक एक घंटा अनुलोम विलोम कराया, उसका कोलेस्ट्रोल आ गया 125 ट्रेग्लिसाइड और 200 के बीच में, दोनों मेंटेन हो गए, शुगर आ गया अभी 7 पर तो आ गया HbA1c, अभी 2-3 दिन के अंदर उसका 5 पर आ जाएगा, नॉन डायबिटिक हो जाएगी। तो ये कोरोना के बाद, डेंगू चिकनगुनिया के बाद प्लेटलेट घटने के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन के बाद जी लोगों के प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, 11-11 लाख तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी मैंने बीच में थोड़ा उपाय बता दिया है। बिल्कुल स्वामी जी, वो उपाय जिनसे घर पर ही जब ये ऐसे उपद्रव शरीर में जी, हेल्थ का लोग ख्याल रख सकते हैं, प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ा सकते हैं। अब आपकी इजाजत के साथ स्वामी जी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल प्रशांत का है, वो बहुत जरूरी है जी, उनके बेटे के लिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रशांत का कहना है कि बेटे को सालों पहले डेंगू हुआ था, जिसके बाद से राइट साइड जो है बॉडी की वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो क्या उपाय है, कैसे इसे ठीक करें? एक तो कपालभाती के साथ बाह्य प्राणायाम और उज्जयी के साथ साथ अनुलोम विलोम करें, इससे पूरी राइट साइड, मैं तो देखो बड़ी बात कह रहा हूँ, पोलियो वालों के जिनके हाथ पैर सूख गए थे उनके मसल्स वापस आ गए, पैरालिसिस जो अभी अभी हुआ है तो 7 दिन में ठीक, पुराना पैरालिसिस भी एक एक घंटा अनुलोम विलोम करने से ठीक। अब जिनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है तो उनको न्यूरोग्रिड खाली पेट और साथ ही साथ इम्यूनोग्रिड स्प्रिलिना, न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड स्प्रिलिना, ये खाली पेट ले लें
और खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गुल, शिलाजीत रसायन या अश्वशिला, ये खाने के बाद ले लें तो 100% अनुलोम विलोम एक एक घंटा करें। असाध्य रोगों में अनुलोम विलोम एक एक घंटा करना। असाध्य रोगों में आसन 10-10 मिनट करने, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1-2 मिनट यही पर्याप्त है आसन। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये इस भाई के साथ साथ औरों के लिए भी ये हमारा संदेश है कि जिनको भी किसी को भी पैरालिसिस के कारण से, पोलियो के कारण से, डेंगू या चिकनगुनिया से, या वैक्सीनेशन के बाद भी किसी को एक साइड पैरालिसिस जैसा हुआ है, ये सब के सब रिकवर हो जाएंगे जी। और ऐसा हमने किया है, वही हमने बताया। अगला प्रश्न आप ले लो स्वामी जी। अगला सवाल अंकिता का है। अंकिता पूछ रही है कि डेंगू होने के बाद से शरीर में कमजोरी रहने लगी है और हार्ट रेट 100-200 के बीच में रहता है, यानी हाई रहता है, तो इसके लिए क्या उपाय है? हार्ट रेट को कैसे एक तो कंट्रोल में लाया जा सके और कमजोरी दूर हो? अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत तो जो है ज्योत्सना जी कर लेंगे, ये भी 5-7 बार करें। और शीतरी शीतकारी भी 5-11 बार तक करें। ऐसे ये शीतरी ये शीतकारी, और अर्जुन की छाल दालचीनी ले लें अथवा अर्जुनारिष्ट पे लें अथवा हृदयामृत 2-2 गोली खा लें खाने के बाद, और कार्डियोग्रिट खाने के पहले, अथवा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है संगेसो पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मेहरा पिष्टी, मोती पिष्टी, ये मिलाकर के संगेसव, अकीक, जहर मोरा ये 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 2-4 ग्राम मिला ली, ये सब मिलाकर के आधा ग्राम शहद के साथ खा लें। इससे एकदम से ये जो हार्ट रेट है बैलेंस आ जाता है एकदम से। सामान्य रूप से तो मोती पिष्टी से बैलेंस आ जाता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतरी शीतकारी इसमें विशेष लाभ करते हैं। और हार्ट के ऊपर ठंडे और गर्म पानी की जो पट्टी है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, जो हमने कई बार बताया, वो बड़ा ज़बरदस्त करता है हार्ट रेट के लिए। ये ठंडे गर्म पानी से, यहाँ पर कपड़े से हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं, ये फेफड़े पर करें और छाती पर करें। जिनको पेट में, आंतों में सूजन है, पेट में सूजन है, किडनी में सूजन है, तो पेट पर करें, थोड़ा ऐसे पानी से लेकर के थोड़ा ऐसे ऐसे, ये जिसको कटी स्नान बोलते हैं उसको भी करने से लाभ हो जाता है। तो अलग अलग जगह ये हॉट एंड कोल्ड प्रेस बड़ा ज़बरदस्त इफेक्टिव है। ये पॉइंट भी दबा लें तो पूरा ये अंकिता के साथ साथ औरों को भी कोरोना के बाद, और किसी को अलग अलग प्रकार से हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को इंजेक्शन फेक्शन कम है, किसी का हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को कैल्सिफिकेशन है, किसी का हार्ट का वाल का प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट जो है वो बहुत इनलार्ज हो गया है, वो सब के सब भी ठीक हो जाएंगे अंकिता के साथ साथ। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अंकिता के बाद अगला सवाल तरुण का है। तरुण का कहना है कि टाइफाइड के बाद से हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, तो इसे नॉर्मल कैसे किया जाए? प्लेटलेट के लिए तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये तो 2-3 बार ये ले ले तो 1 सप्ताह में प्लेटलेट अच्छे हो जाएंगे। अब हीमोग्लोबिन के लिए अनार, गाजर, चुकंदर, उसी के अंदर अनार, गाजर, चुकंदर, इसी में थोड़ा सा वीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला और थोड़ा सा उसमें मुनक्का, अंजीर और खजूर, 1-2 खजूर, 1-2 अंजीर और 5-7 मुनक्का, ये सब मिलाकर के जूस बना लो, इतना हेल्दी होगा। 1 सप्ताह में 5 पॉइंट तक हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और कपाल भाती जरूर करें मंडूकासन के साथ। छोटा सा सवाल स्वामी जी, अंजीर और मुनक्का हम भिगो के दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं? जैसे अब हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, बीच में अगर हेल्दी स्नैक के तौर पर क्या उसे ले सकते हैं? वही लेना चाहिए। ये जितने भी, अभी मैं मुंबई गया तो शिल्पा शेट्टी से लेकर के शाहरुख सलमान से लेकर के अमिताभ बच्चन से लेकर के और बाकी जो है जितने भी अक्षय कुमार तक, ये स्नैक्स के तौर पर ये ड्राई फ्रूट्स ही भिगो के रखते हैं और उन्हीं को खाते हैं। थोड़ा बहुत अंकुरित खाते हैं कुछ लोग, यही खाने चाहिए। आज यही हम बताने वाले भी हैं। बिल्कुल। तो ये स्नैक्स के तौर पर यही चीज़ें अच्छी होती हैं। बाकी स्नैक्स के तौर पर लोग टोस्ट खाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग फ्राइड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, स्वामी ये अच्छी नहीं है कतई।
आपके मार्गदर्शन में हमने आधे हिंदुस्तान की तो ये आदत सुधारने का काम कर ही दिया है, जो बाकी बच्चे आते हैं वो भी सुधर जाएंगे। स्वामी जी, ये आखिरी सवाल है ईश्वर दयाल का। डेंगू हो चुका है और पेट दर्द बहुत होता है, तो ये पेट दर्द क्यों हो रहा है, इससे कैसे दूर करें? नाक में तो अणुतेल डालें, स्वासारी खाली पेट डेंगूली कोरोनिल खाने के बाद ले जाए। पेट में दर्द होता है, आंतों में मरोड़ा होता है, ये आंतों और लीवर पर इसका अटैक होता है। आंत, लीवर और पेनक्रियाज को एक साथ ही अटैक करता है, तो इसके लिए मिट्टी की पट्टी रखें या ठंडे गर्म पानी से पेट की ऐसी सिकाई करें और पिंडली दबा लें ऐसे, और सर्वकल्प क्वाथ पेले और लिवोग्रिट लिवामृत तो रामबाण है पेट के लिए। लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले लेंगे तो पेट एकदम अच्छा हो जाएगा। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन ये करने के साथ साथ, जिनको बहुत ही गड़बड़ रहती है ना पेट की, तो ये ऐसे सुप्त वज्रासन जी और सुप्त पद्मासन, ये तो रामबाण है पेट के लिए, ऐसे ले। तो ये वो आसन है जो स्वामी जी आप बता रहे हैं जिनसे पेट दर्द की परेशानी इनकी दूर होगी। और नाभि में हींग लगा लें, थोड़ा पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लें। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका जिक्र आपने एक बारी पहले शुरुआत में किया भी था और जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। कोरोना के साथ मिलकर डेंगू और चिकनगुनिया लोगों को परेशान कर रहा है, तो आज उस जूस के साथ उस डाइट के बारे में भी बताइए जो ना सिर्फ उनकी कमजोरी को दूर करेगी बल्कि पाचन को भी ठीक करेगी। उस हेल्दी थाली जिसका आप जिक्र कर रहे थे स्वामी जी, उसके बारे में बताइए। हाँ, डेली के रूटीन में अभी कपाल भाती अनुलोम विलोम तो जारी रहना चाहिए, और कपाल भाती अनुलोम विलोम करते करते वो आज हेल्दी डाइट की भी शिक्षा दीक्षा ले लेंगे। देखो ये पांच चीजों का जूस रामबाण है। वैसे अकेले पपीते के पत्तों के रस से भी ये प्लेटलेट बढ़ते हैं, इसलिए पपीते के पत्ते तो हमारे पास तो यहाँ पूरे फ्रेश हैं, इसलिए यहीं से तोड़ा और यहीं डाल दिया। और जिनको ऐसा ना मिले, ऐसा एक बार में कितना चाहिए, 25 से 50 ml ऐसे ये पपीते के पत्तों का रस, थोड़ा सा वीटाग्रास भी 25 से 50 ml, फिर ऐसे ही करीब थोड़ा सा ही एक बार के लिए ये भी थोड़ा सा ही 25 से 50 ग्राम अनारदाने डाल दिए, फिर ऐसे ही थोड़ी सी गिलोय, ये गिलोय बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें एलोवेरा। तो ये पांच चीज़ें हो गई, ये इतनी ज़बरदस्त हैं, एलोवेरा भी 25 से 50 ml एक बार में, ये इतना सा ये लिया और इसका जूस बनाया। अब ये जूस हम बनाएंगे, उससे पहले थोड़ा ये भी बता देते हैं। देखो ये अंकुरित है, ये मिक्स ग्रेन की खिचड़ी है, और ये जो का दलिया या ओट्स का दलिया ऐसे बना सकते हैं, और ये जो पांचों ड्राई फ्रूट मक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट, ये द्राक्ष, ये जो है ये सुबह सुबह खा लिया करें, थोड़ा ये मिक्स फ्रूट अथवा अंकुरित, ये और ये लौकी का सूप अथवा वेजिटेबल जो सूप होता है वो इसके लिए अद्भुत है। अब जूस हम बनाते हैं, तब तक कल का प्रोग्राम आप बताओ। बिल्कुल, अंकुरित खाने के फायदे क्या होते हैं, फ्रूट्स खाने के, ड्राई फ्रूट्स खाने के भीगे हुए फायदे क्या होते हैं वो स्वामी जी बता रहे हैं। और जब तक रॉ फ्रूट, हाँ, जब तक वो जूस तैयार होता है मीनाक्षी, तब तक हम कल का कार्यक्रम अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीठ कमर में दर्द, गर्दन कंधे में अकड़न, कहीं स्पॉन्डिलाइटिस के नहीं है ये लक्षण? सर्दी में वर्टिगो सर्वाइकल पेन का कहर, योग से दर्द पर 100% असर, स्पाइन के हर पेन का इलाज कल सुबह 8 बजे बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, तो देखो अभी ये हमने जूस डाला था और इसको 2 ही मिनट के अंदर ये तैयार हो गया, ये ऐसे इसका ये जूस तैयार हो जाता है। इस जूस को पीने से 100% डेंगू ठीक हो जाता है, और एक ही दिन में 5, 10, 25, 50 हज़ार इसको 5 बार तक पिया जा सकता है। और इसके साथ साथ बाकी भी तो जो है अपने घर में गाजर है, अनार है, पपीता है, ये सब चीज़ें खाएं, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा,
हम लोगों का प्रिवेंशन भी बताते हैं, ट्रीटमेंट भी बताते हैं और इसके साथ साथ क्योर भी बताते हैं, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन और सस्टेनेबल हेल्थ के बारे में पूरे हिंदुस्तान को जागरूक करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है पूरा भारत डेंगू मुक्त होगा, चिकनगुनिया मुक्त होगा, कोरोना मुक्त होगा, रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त होगा। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।